श्री श्री कृष्ण लीलामृत कथा। भगवान कृष्ण स्वयं पुरुष नंद नंदन कृष्ण कन्हैया लाल आदि पुरुष सारे कारणों का कारण है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो कुछ भी हो रहा है सबका एकमात्र कारण नंद नंदन कृष्ण कन्हैया लाल भगवान। लेकिन बीच बीच में ऐसा हो जाता है लोग माया में आवद्ध होकर। माया क्या है? जो देखने में लगता है अच्छा है, जो देखने में सांस लगता है लेकिन वो सांस नहीं है, वो झूठा है। कैसे? मतलब गर्मी का दिन रेगिस्तान में उत्तप्त तो रेत का ऊपर दूर से सूर्य का रोशनी गिरते गिरते ही पानी दिखाई देता है, लेकिन वो पानी नहीं है, दूर से पानी जैसा दिखाई देता है। सूर्य का रोशनी अगर रेत पर गिरे तो पानी जैसा लगता है। रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है आसानी से, वहां पे गर्मी बहुत होता है। प्रतीक चलते चलते जब पानी का जरूरत पड़ता है और वही रेत का ऊपर सूर्य का रश्मि को देखकर पानी समझकर उसका पीछे भागता रहता है। जितना भागता है पानी भी उतना ही दूर भागता है। भागते भागते एक दिन प्रतीक अपना शरीर यानी मर जाता है, लेकिन पानी कभी भी नहीं मिलता है। इस संसार का माया का द्वारा प्रभावित होकर हम लोगों का अवस्था भी ऐसा ही है। आनंद का मूर्ति भगवान कृष्ण है। कृष्ण सभी जीवों को आकर्षण करते हुए आनंद प्रदान करता है। किसी को भी पूछो क्या चाहिए, बिना सोचे समझे बता देगा मेरा आनंद चाहिए। बिना सोचे समझे बता देंगे आनंद चाहिए। अगर आनंद ही जरूरत है तो कृष्ण का बुलाना पड़ेगा, क्योंकि आनंद देने वाला भगवान कृष्ण है। कृष्ण बिना इस संसार में आनंद देने वाला अच्छा नौकरी, अच्छा पराई, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा पत्नी, अच्छा पति कोई आनंद नहीं दे सकता है। यानी आनंद का मालिक भगवान कृष्ण है। लेकिन माया बोला मी अति अनाया इति माया, जो जहाँ नहीं है उसी को माया कहा जाता है। जिसका नित्यता नहीं है, जिसको नित्य अस्तित्व नहीं, वो माया है। माया में सब कुछ बदल जाता है। देखो गोद में छोटा सा बालक बैठा है, ये बालक छोटा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। हम लोग भी इतना बड़ा नहीं था, छोटा था। समय का बदल जाने से हम लोगों का शरीर भी बदल गया। ऐसा ही ये संसार में सब बदल जाते हैं, समय बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं। समय का हिसाब से कुछ भी हमारा साथ एक जैसा नहीं रहता है। फिर भी माया द्वारा प्रभावित होकर ऐसा बात होता है, तुम जब मेरा शादी किया था इतना प्यार करते थे,
अभी इतना साल बीत जाने का बाद उतना प्यार नहीं करते। पता है समय बदल जाने का बाद ये बदल जाएगा, लेकिन फिर भी पूछता है ना। जो दिन विवाह हुआ था उसी समय जो पति आपको प्यार करते थे, अभी ऐसा ही प्यार करते नहीं करते। बोले कैसा? बोले समय बदल गए, समय बदलने का साथ साथ सब कुछ बदल गए। लेकिन जो चीज बदल जाता है वही माया का अंश है, और माया हमेशा हम लोगों का दुख ही देगा। ऐसा चीजों को लेना चाहिए जो कभी भी बदलता नहीं, भगवान बदलता नहीं, वक्त बदलता नहीं, भक्ति बदलता नहीं, लेकिन ये संसार का चीजों बदल जाएगा। पति नहीं रहेगा, पत्नी नहीं रहेगा, बेटा बेटी नहीं रहेगा, मम्मी पापा कोई नहीं रहेगा। समय जाने का साथ साथ सब बदल जाएगा, लेकिन मैं और मेरा भगवान ये दोनों जैसा ऐसा ही रहेंगे। लेकिन जिंदगी भर जो कमाओगे उसी को तो भोग करना है। अच्छा कमाने से अच्छा भोग होगा, और बुरा कमाने से बुरा को भोग करना है। गलत काम करने से फल क्या मिलेगा, अच्छा ना बुरा मिलेगा? गलत काम से फल क्या मिलेगा, अच्छा ना बुरा? बुरा मिलेगा। अच्छा काम करने से अच्छा मिलेगा। ऐसा ही एक कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में हम लोग देखता हूं। वैष्णव का शिरोमणि देवादिदेव भगवान शिव जी महाराज, जो भगवान का गुणावतार है, पंचानन सदाशिव नीलकंठ शिव जी महाराज जी का धन भंडार को, शिव जी महाराज जी का धन संपत्ति को देखभाल करने के लिए एक भक्त को शिव जी महाराज सेवा दिया। उसका नाम है कुबेर। सुबेर शिव जी महाराज जी का धन भंडार को देखने वाला कुबेर जी। ये कुबेर जी का दो बेटा है, एक नल कुबेर एक मणिग्रीव। दोनों पुत्र इतना अच्छा पिता मिला, इतना वैभव मिला, फिर भी माया द्वारा प्रभावित होकर दोनों बेटा ने पिता का सम्मान का बारे में भूल गए। पिता का जो नित्य प्रभु शिव जी महाराज जी का सम्मान का बारे में भूल गए। कुछ युवती लड़कियों को लेकर क्या क्या जल में क्रिया करते रहे, जल में क्रिया करते रहे। यौवन आने से लोगों का ऐसा ही दिमाग काम नहीं करता है। क्या किया ये दोनों पुत्रों ने? ऐसा ही जो युवती लड़कियों का साथ क्रिया में मत तो है, उसी समय उसी मार्ग से, उसी समय उसी मार्ग से जाने वाला कौन थे? नारद मुनि। कौन थे? नारद मुनि। नारद मुनि ने उसी मार्ग से जा रहा है कीर्तन करते हुए। कैसा कीर्तन? मेरा पीछे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा। आवाज नहीं हुआ और थोड़ा सा तेज से होना चाहिए, हरे कृष्णा। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा हरे रामा, हरे रामा 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 हरे हरे। ऐसा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत प्यारा कंठ से, बहुत प्यारा आवाज से नारद मुनि बिना बजाते हुए उसी मार्ग से भगवान का नाम करते हुए जा रहा है। नारद मुनि हमेशा भगवान का नाम कीर्तन करता रहता है, यानी भगवान कहने लगे जो मेरा नाम करता है वो मेरा सबसे प्यारा है। हाथ उठा के देखा ना, कौन प्यारा बनना चाहता है भगवान का? भगवान का प्यारा तो वही बनेगा जो ज्यादा नाम करता है नारद मुनि जैसा। नारद मुनि हमेशा नाम करता है, देखो हमेशा नारायण नारायण नाम करते रहे, लेकिन कलयुग का नाम महामंत्र है। भगवान का प्यारा तो वही बनेगा जो ज्यादा नाम करता है। इसीलिए आप लोग जोर जोर से सुनाओ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 प्यारा कंठ से नारद मुनि नाम कीर्तन करते हुए जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, नारद मुनि अचानक देखा शिव जी महाराज जी का इतना प्यारा भक्त है कुबेर जी, कोई अच्छा लोगों का संतान अगर बुरा कार्य करे, बहुत बड़ा भक्त है, इतना बड़ा भक्त है कुबेर जी, अगर ऐसा भक्तों का संतान कोई बुरा कार्य करे तो देखने से संतु लोगों का अच्छा नहीं लगता है। नारद मुनि विचार करते रहे, सोचते रहे, इतना बड़ा भक्त कुबेर जी, कुबेर जी का पुत्र इतना बुरा हो गया है? कुबेर जी का पुत्र को तो भगवान को भजन करना चाहिए, कुबेर जी का पुत्र को भगवान का नाम करना चाहिए। वही कुबेर जी का पुत्र अभी ऐसा माया में आबद्ध होकर युवती लड़कियों का लेकर अपना मस्ती करते रहे, ये अच्छा नहीं है, हमारा सनातन धर्म स्वीकार नहीं करता है। लेकिन माया ऐसा है, हमारा इंद्रिय ऐसा है, रूप रस गंध स्पर्श शब्दों, ये पांच इंद्रियों का विषय है। रूप भोग करने के लिए भगवान कौन सा इंद्रिय दिया? रूप को भोग करने के लिए कौन सा इंद्रिय दिया? कौन बोला? बोला तो कोई सही बोला, आंख दिया। बोला जिसका आंख नहीं उसका पास रूप का कोई दाम नहीं। आंख है वो काला है, वो गोरा है, देखने में सुंदर है, लेकिन आंख नहीं कुछ भी पता नहीं। रूप का स्वादन करने के लिए भगवान हम लोगों का आंख दिया। आंख काम करता है जब ओपनी होता है, उजाला नहीं, अंधेरा में आंख काम नहीं करता है। ये तो रूप है। रस, रस को आस्वादन करने के लिए कौन सा इंद्रिय है? जिह्वा। यही जिह्वा से हम लोग कितने चीजों को आस्वादन करता हूं। लेकिन भगवान पहला आस्वादन करना चाहिए, भगवान आस्वादन करेगा फिर उसी चीजों को आस्वादन करना,
वो भगवान का दासत्व होता है। भगवान भगवान को खिलाया नहीं गया है, अगर आस्वादन किया गया तो वो चोरी करना हुआ, चोरी हो गया। भगवान को स्वीकार नहीं है, ऐसा चीजों को अगर आस्वादन किया गया तो भगवान कभी भी क्षमा नहीं करेगा। रस जीवा ऐसा है, छोटा सा है, लेकिन इसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। भगवान को बात को मानने वाला प्रसाद ले लेता है, भगवान को बात को ना मानने वाला गोली से आते हुए बहुत कुछ देखा। हाँ, जो कुत्ता भी खा लेता है, मनुष्य भी खा लेता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है ना। बाघ भी खा लेगा, मनुष्य भी खा लेगा। तो बाघ भी खा लेता है, मनुष्य भी खा लेता है। जो खाओगे स्वभाव ऐसा ही बनेगा, है ना। जैसा खाना हम लोग खाता हूं, हमारा स्वभाव ऐसा ही बनता है। मेरा प्रश्न है, सारे दिन मूली खाओगे, मूली सुबह का नाश्ता में मूली खाया, दोपहर का खाना में मूली खाया, रात का खाना में मूली खाया, जब ढेकोर आता है अंदर से, अंदर से जब सुगंध आता है, संदेश का आएगा, मिठाई का आएगा ना मूली का आएगा, किसका आएगा? तो जैसा खाना मतलब जैसा स्वभाव ऐसा रंग होगा, जैसा संग ऐसा रंग, जैसा खाना ऐसा स्वभाव अपने आप होता है। नारद मुनि ने जब देखा तो बोला नहीं, जीवा गए रूप गए, रूप गए आँख, रस गए जीवा, रूप रस शब्द, शब्दों के लिए क्या दिया भगवान? शब्दों को कैसे पता चलता है? मेरा कथा कैसा सुन रहा है वो? कानों से। रूप रस शब्द स्पर्श त्वच है, त्वक दिया भगवान ने, और गंध, गंध कैसे पता चलता है? नाक से। तेरे पंच इंद्रियों फाइव सेंसेस, और इसका विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये भी याद कर लेना। इनका साथ साथ प्रकृति का साथ क्या संबंध? रूप पता चलता है आँख से, रस पता चलता है जल से, गंध पता चलता है धरित्री मिट्टी से, और त्वक को पता चलता है, अनुभव होता है वायु से, शब्द को सुनाई देता है आकाश से। देखा, तकिया खेती अपो तेज मरुत वम, पांचवा जल मिट्टी, फिर बोलो, स्कूल में पढ़ाया जाता है ये तो बोलना चाहिए, जल मिट्टी वायु अग्नि आसमान यानी आकाश गगन, ये पांच, पांच चीजों से आँख नाक जीवा त्वक कान, इसी हुआ रूप रस गंध स्पर्श शब्द। कितने हो गया टोटल? पंद्रह हो गया, तीन तीन करके पंद्रह हो गया। बोला हस्त यानी हाथ पैर उदर उपस्थ पायु, कुल मिला के हुआ बीस। बोला मौन बुद्धि अहंकार चित्त चौबीस, और एक बच्चा है, सारा शरीर में और एक बच्चा है, मतलब उसका बिना शरीर जीवित तो नहीं रहता है, वो तो क्या है? आत्मा। ये 25 उपादान में एकमात्र आत्मा बिना ये 25 24 का काम करता नहीं। आत्मा जितना समय अंदर में है ये 24 का काम है। आत्मा निकल गए, हमारा रिश्तेदार हमारा ये 24 उपादानों का शरीर कहाँ ले जाएगा? शमशान में ले जाएगा। ये बहुत बड़ा समझदार है, बहुत समझदार है।
देखो आत्मा नहीं कोई दाम नहीं। आत्मा कहां से आया? परमात्मा से आया। वही परमात्मा से आया, परमात्मा नित्य, परमात्मा नित्य है तो उनसे आया हुआ चीज भी क्या होगा? नित्य होगा। लेकिन संसार का सारे चीज अनित्य, संसार का सारे चीज बदल जाता है, शरीर बदलता रहता है, हर दिन हर मुहूर्त बदल रहा है, परिवेश का सारे चीज बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। लेकिन मैं आत्मा हूं, कभी भी बदलता नहीं, मेरा जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जरा नहीं, व्याधि नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं आया हूं भगवान से, परमात्मा से। परमात्मा नित्तो, मैं भी नित्तो, मैं नित्तो होकर माया द्वारा आबद्ध होकर इंद्रियों तर्पण करने के लिए, हमारा इंद्रियों को भोग करने के लिए, भगवान को भूलकर शिव जी महाराज जी का प्यारा भक्त कुबेर जी का पुत्र मणिग्रीव भाईग्रीव, ये दोनों भाई ने कितना बुरा कार्य कर रहा है। युवती लड़कियों का साथ जल में क्रिया करते रहे। नारद मुनि आया जा रहा है, किसी का शरीर में वस्त्र नहीं, विवस्त्र होकर सारे नारियों ने नारद मुनि को देखकर शर्मिंदा हो गया, अपना अपना वस्त्र उठा के शरीर में शरीर को ढकने लगे। लेकिन कुबेर का दो पुत्रों का कोई शर्म नहीं। देखो कली का प्रभाव से ऐसा प्रभाव हमारा समाज में भी है, क्योंकि जो जितना छोटा कपड़ा पहनता है वो कहा जाता है एक बात में, ये स्टाइल है। स्टाइल का नाम से बता दिया, लेकिन हमारा सनातन धर्म कभी भी स्वीकार नहीं करता है। क्या करे, नारद मुनि कह लगे तुम्हारा शर्म नहीं, तुम कुबेर जी का पुत्र हो, तुम्हारा कोई शर्म नहीं, क्या करे। तो शर्म नहीं ठीक है, जिसका लज्जा नहीं, जिसका कपड़ा पहनने का जरूरत नहीं, उसका मनुष्य बनने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान एकमात्र मनुष्य को ही, भगवान एकमात्र मनुष्य को ही बुद्धि दिया, स्वभाव का साथ साथ बुद्धि दिया, मनुष्य चिंता कर सकता है। मनुष्य बिना ये संसार में और कोई जीव चिंता नहीं कर सकता है। भगवान मनुष्य को सोचने का दिमाग दिया, इसीलिए मनुष्य सोच बूझ के काम करता है। भगवान का कथा हो रहा है, वाग वाग के भक्त लोग आ गया, सुनने में कितना आनंद होता है। भगवान का कथा, वैष्णव का कथा, संतों का कथा, यही कथा में देखो माया में फंसकर कुबेर जी का दो पुत्रों का ऐसा भावों ऐसा अवस्था को देखकर नारद मुनि कहने लगे शर्म नहीं, कपड़ा पहनने का जरूरत नहीं, तो मनुष्य बनने का क्या जरूरत है, पैर बांध जाओ, पैर पैर का कपड़ा जरूरत है। कोई कुछ बोलता भी नहीं, वो सुनता भी नहीं, चलता भी नहीं, एक ही जगह में खड़ा रहो। अभी बारिश हो रहा है, जब स्कूल गए छतरी ले गए, अम्ब्रेला ले दो, अम्ब्रेला नहीं पिताजी को बोला अम्ब्रेला खरीद कर दो, अम्ब्रेला का डिजाइन अच्छा नहीं बोले दूसरी ले आओ, अम्ब्रेला देखने में अच्छा नहीं और एक ले आओ, पिताजी अम्ब्रेला दे दिया, उसी अम्ब्रेला का साथ छतरी का साथ स्कूल चला गया। लेकिन पैर को पूछो भाई इतना बारिश हो रहा है, थोड़ा हमारा घर में आ जाओ, आएगा बोलेगा भी नहीं। ठंडे का मौसम चला जाओ हिमाचल में, कितने ठंडी है फिर भी नहीं बोलेगा। तो जिन लोगों का शर्म चला गया, जिन लोगों ने सनातन आदर्श को भूल गए, उन लोगों का ये विचार कर लो आने वाला जन्म में पैर का जन्म मिलने वाला। नारद मुनि बोल दिया जाओ पैर का रूप में जन्म ले लो,
कपड़ा का जरूरत नहीं पड़ेगा, इधर उधर भागने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही जगह में रहोगे। अरे अभिशाप मिलने का बाद समाज में आया, ये तो बहुत गलती कर दिया, पहला पता नहीं चलता है, उम्र कम है, ताकत है, जब उम्र बढ़ते जाता है ताकत कम होते जाते हैं, तो अब समाज में आता है बचपन में तो बहुत गलती कर दिया, अगर उसी समय सही ढंग से पढ़ाई करते थे आज अच्छा नौकरी मिलते थे, उसी समय मम्मी पापा का बात सुनते थे आज हमारा अच्छा होते थे, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या करे। अब अगर ऐसा भी हो मम्मी पापा हिरण्यकशिपु जैसा हो जाए, उनका बात सुनने से और भी गलतियाँ ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज जी बोला, बात को सुनना है जब भगवान का अनुकूल में हो। ऐसा उन दोनों भाई ने नारद मुनि का पैर में पड़ गया, हमारा कृपा करे गलती हो गया। संतु लोग कभी भी किसी का अपराध नहीं लेता है, संतु लोग लोगों का सुधारने के लिए एक मौका तो देता ही है, तब क्या करे। बोला ठीक है, तुम्हारा जन्म होगा यमल अर्जुन का वृक्ष का रूप में, भगवान कृष्ण का घर का उठान में, नंद महाराज जी का उठान में तुम्हारा जन्म होगा, और भगवान जब नंद नंदन कृष्ण कन्हैया का रूप में इस संसार में लीला करने आएंगे, लीला पुरुषोत्तम का रूप में तुम दोनों भाइयों को उद्धार करेगा। ऐसा पैर बांधते हुए दोनों भाइयों ने यम यलम अर्जुन वास अर्जुन भिक्षु का रूप में वहां पे आविर्भूत हुआ ब्रजों में जाकर। और एक दिन हमारा पिछले दिन का कथा में भगवान कृष्ण ने त्रिनावर्त को वध किया, यानी उद्धार किया, त्रिनावर्त को उद्धार किया। मैंने बोला था त्रिनावर्त का मतलब है अंधेरा, झड़ होता है ना, झड़ अंधेरा जैसा, स्टॉर्म साइक्लोन, हवा घूम 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 के आके सब कुछ उड़ा के ले जाता है ना। जब हमारा अंदर में भोग करने का वृत्ति ऐसा आ जाता है, हमको भोग करना है, वो अंधेरा हृदय में आ गया है, तब क्या होता है, वो आदमी का विनाश होता है। उसी दिन बोला था, ध्यान से देखो, कामेर अतीत क्रोधेर बहिर्प्रकाश, काम, काम का मतलब है इच्छा, काम का मतलब इच्छा वासना है, जब इच्छा पूर्ण नहीं होता है, मतलब कामेर अतीत क्रोधेर बहिर्प्रकाश, जब इच्छा पूर्ण नहीं होता है तब क्रोध होता है, ऐसा से आप मन मन में एक चीज सोच लिया, आपका मम्मी करने नहीं दिया, आया मम्मी, आया मम्मी, आया साथ में आपका मम्मी, आया कहाँ पे, हाथ उठाओ मम्मी। जब लाली ने कुछ करना चाहती थी आप करने नहीं दिया तो गुस्सा करती है ना, खुश होता है, और हर व्यक्ति के लिए ही है। मैं तो एक को नाम बोला, हमारा इच्छा पूर्ण ना होने से ही क्रोध होता है, अगर वो इच्छा भगवान के लिए हो अच्छा है, अगर वो इच्छा भगवान का विरुद्ध हो, भगवान का भगवान के लिए नहीं होगा तो वो बिल्कुल भगवान का विरुद्ध होगा, दोनों का एक होगा, दोनों का बीच में नहीं हो सकता है, जे भगवान में भी नहीं किया विरुद्ध में भी नहीं किया, एक होना चाहिए। अगर आपका इच्छा भगवान का खुश ना करे भगवान का दुख देगा, ये तो अच्छा से एक होना है, क्या है उसी इच्छा द्वारा हर व्यक्ति का, सारा दिन काम करते हुए पति घर में आया पत्नी को जो बोला सुना नहीं, लड़ाई लग जाता, सारा दिन काम करके आया पत्नी जाने का समय जो बोला था पति वो नहीं किया, पत्नी का गुस्सा आ जाता है,
संतान बेटा बेटियों को जो भला नहीं किया गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अपन अपन इच्छा पूर्ण ना होने से तब गुस्सा आ जाता है। यानी हमारा इच्छा पूर्ण ना होने से क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध, एंग्री, गुस्सा आ जाता है। इसका बाद भगवान गीता में क्या बोला? क्रदाद भवति सम्महात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भला क्रोध होगा तो क्रोध से मोह होगा, क्रोध होने से क्रोध से क्या होता है? मोह का मतलब है अंधेरा, अंधकार। अंधेरा में दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं दिया तो कौन सा मार्ग से चलने से सही मार्ग है पता नहीं चलेगा। यानी मोह में गिर गया तो अच्छा बुराई पता नहीं चलेगा। जो व्यक्ति क्या भगवान का आनंद प्रदान करता है, क्या भगवान का आनंद नहीं प्रदान करता है, इसी का अच्छा बुराई को समाज नहीं पता है, वो अभी भी मोह में ही पड़ा है ना। मोह का मतलब अंधेरा है। अंधेरा हम लोगों का भगवान का क्या अच्छाई है क्या बुराई है। मैंने आज सुबह का कथा में बोला, भगवान वासुदेव कृष्ण ने दुर्योधन को बोला, भाई तुम भी मेरा भाई हो, अर्जुन भी मेरा भाई है, युद्ध करने का कोई आवश्यक नहीं, आप उन लोगों का सात गांव दे दो, अगर ना हो एक गांव दे दो, युद्ध करने का क्या जरूरत है। दुर्योधन बोला, एक गांव भी नहीं मिलेगा, कुछ चाहिए तो युद्ध कर लो, ये तो ना इंसाफी है, पिता का संतान, अरे कुछ तो मिलना चाहिए। लेकिन दुर्योधन जैसा स्वभाव वाले लोग अपने आप भोग करेंगे, किसी को नहीं देगा, किसी को नहीं देगा। इसी को कहा जाता है अंधेरा। भगवान स्वयं आया समझाने के लिए, फिर भी नहीं समझे। तो भगवान शास्त्रों का माध्यम से आज भगवत कथा हो रहा है, कृष्ण लीला कथा हो रहा है, इस कथा द्वारा भगवान फिर हम लोगों का समझाने के लिए प्रयास कर रहा है। मोह में पड़ जाओगे तो अच्छा बुराई पता नहीं चलेगा। फिर बोले सम्महात् स्मृति विभ्रमः, अगर मोह में पड़ गया तुम्हारा स्मृति यानी मेमोरी भूल गए, दिमाग से सारे हट गए। जो आदमी सब कुछ भूल गए उसी को क्या कहा जाता है? पागल है ना, भूल गए सब, मेमोरी लॉस, पागल है, ऐसे ही तो कहा जाता है। उसका दिमाग काम नहीं करता है, पागल है। देखो ना, बहुत लोग ठंडे में वो नाला का पास लेटा रहता है, अगर गर्मी का दिन इतने सारे कपड़ा पहन लिया है, नहाता नहीं है, बाल बड़ा बड़ा हो गया, शरीर का यत्न नहीं लेता है, क्या है? हम लोग एक शब्द में कहते हो पागल है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। देखो छोटा सा एक कारण से, कहाँ से हुआ? काम से। काम से क्रोध आया, क्रोध का बाद क्या हुआ? मोह आया, फिर सोचो, याद करना है, जिंदगी में काम आएगा, जिंदगी चलने के लिए हर मुहूर्त में काम आएगा। काम से क्रोध आया, क्रोध से मोह आया, मोह से सब भूल गए, स्मृति भी भ्रम, भले स्मृति भंशात बुद्धि नाश। भला क्या हुआ? जिसका दिमाग में कुछ नहीं उसका बुद्धि काम करेगा, जिसका दिमाग ही काम नहीं करेगा बुद्धि भी काम नहीं करेगा। अगर बुद्धि नाशात, जिसका बुद्धि काम नहीं करेगा क्या करना है?
जैसा हमारा वो माया ने अच्छा एक उदा उत्तर दे दिया जे आँख है। तो आप उदाहरण दे रहा हूं, जैसा जैसा हमारा जयमंगल प्रभु जी और संजय प्रभु जी आया, संजय प्रभु जी अभी तक नहीं आया। जैसे जयमंगल प्रभु जी देखने में उतना गोरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत गोरा लोग आया। अभी उनका मन में विचार हुआ सारे गोरा लोग देखने में सुंदर है, और ऐसा दिमाग में लेकर वो घर जा रहा है। अचानक देखा एक जगह में आग जल रहा है, आग का रंग तो सोने जैसा है ना, आग का रंग सोने जैसा है। उन्होंने विचार कर लिया मैं अभी इस आग में कूद जाऊंगा, फिर मेरा काला शरीर सोने जैसा बन जाएगा, मेरा काला शरीर सोने जैसा बन जाएगा। सोने बन जाएगा क्या होगा, काला हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। क्यों ये पता लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा बुद्धि काम ना करे हमारा विनाश होगा। जब बुद्धि काम नहीं करता है क्या अच्छा है क्या बुरा है पता नहीं चलता है। इसीलिए यहाँ पे इस कथा द्वारा दिखाया हम लोगों का जानना चाहिए जे थोड़ा सा काम से कहाँ ले गए, विनाश तक ले गया। कोई चाहता है यहाँ पे हाथ उठा के देखो जो अपने आप का विनाश हो जाए, कोई नहीं चाहता है। एक कथा में बताएगा महाराज जी कृपा करें मेरा मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए, है ना। लेकिन कल्याण का मालिक तो भगवान है, मैं नहीं हूं। कल्याण करने वाला भगवान है, मैं नहीं हूं। बहुत लोगों का देखता हूं संतों का पीछे चल जाता है, संतों का पीछे जाते जाते धोखा भी खा जाता है। लेकिन जो असली संत है वो उनका पीछे भागने के लिए नहीं कहता है, वो कहता है भगवान का भजन करो, जैसा घर में है ऐसा रहो। अगर घर अच्छा ना लगे संभव है आश्रम में जाके करो, घर में करो आश्रम में करो कोई भी जगह में करो, लेकिन ठाकुर जी का भजन करो नाम करो। लेकिन भागने से कभी भी काम नहीं करेगा। तो ऐसा ही क्या हुआ भगवान त्रिनावर्त का कथा, त्रिनावर्त तो अंदर में ना आ जाए सारे इधर उधर कर देगा, अंधेरा आ जाएगा तो सारे हवा में उड़ा के ले चला जाएगा, नहीं आना चाहिए। और उसका बाद भगवान इतना प्यारा है। एक दिन यशोदा मैया ने दधि मंथन कर रहा है, दधि को मंथन कर रहा है, हमारा नंदलाला मैया का पास आके कहने लगे मेरा तो भोग लगा, दूध पीने के लिए बार बार प्रयास करते रहे। यशोदा मैया भी नंदलाला को गोद में बैठाते हुए दूध पिलाते रहे, लेकिन अचानक रसोई घर से दूध जलने का गंध आया। ओ चूल्हा का ऊपर तो दूध था, यशोदा मैया नंदलाला को छोड़कर भाग भाग के चला गया रसोई घर में, लेकिन नंदलाला को दूध पीने में संतुष्ट यानी परिपूर्ण सुख नहीं हुआ था, इसलिए गुस्सा किया मुझसे भी बड़ा वो दूध हो गया, मुझसे छोड़कर चला गए, ठीक है चला गया तो ठीक है। साथ साथ वहां पे लोहे जैसा था उसी से वही क्या है ननी का यानी माखन का भांडो को तोड़ दिया, उसी को तोड़कर वो बंदरों का बच्चा को खिलाने लगे, गैया का बच्चा को खिलाने लगे, सखाओं को खिलाने लगे, और ऐसा करते रहे। उतना समय में यशोदा मैया रसोई घर से जब वापस आए देखा मेरा सारे बर्बाद हो गया, लाला ने सब कुछ तोड़ फाड़ के एकदम बारंदा में
उठान में सब फेंका के रखा और गुस्सा करके लला को क्या किया, उखल। उखल जानते हो, जिससे वो मसाला चावल चावल का पाउडर बनाने के लिए हाथ से ऐसा पीसता रहता है। अभी तो मिक्सचर मशीन बन गया, ग्रिंडर हो गया, कैसा जानकारी मिलेगा। हाँ, उसी को उखल, एक लकड़ी, इतना बड़ा एक लकड़ी है, उसका इतना बड़ा गड्ढा खुदाई किया जाता है और इतना बड़ा एक लकड़ी है, लकड़ी क्या है वो, मैंने स्टिक रहता है, मोटा लकड़ी जैसा रहता है, क्या करता है उसी से उसको पीसता रहता है, तब पाउडर बन जाता है, चालूनी से सेक लेता है। पीठा बनाने के लिए चावल का पाउडर चाहिए, गेहूँ रोटी बनाने के लिए गेहूँ का पाउडर चाहिए, रसोई करने के लिए मसाला का पाउडर चाहिए। पहला तो ऐसा ही करते थे। और एक चीज़ देखा, बंगाल में वही उखल पेड़ से करते थे, उसको ढेकी कहा जाता था, पेड़ से दबाएगा और उधर होते रहते थे, ये जल्दी जल्दी होते थे। लेकिन ब्रजों में देखा हाथ से, ब्रजों में दक्षिण भारत में हाथ से बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। हाँ, आवर मसाला को पीसने के लिए क्या है, पत्थर को पूरा छील ना रहे, अभी तो चला गया, आराम आराम आ गया मिक्सर मशीन में। दो देखो, वो तो इतना बड़ा था, छोटा चलाला था, अभी अभी चलना सीखा। यशोदा मैया ने बोला गुस्सा करके, आज तुम बात के रखूंगा। नंद लला को बांटने के लिए घर में जितना रसिया था एक खट्टा कर लिया, रस्सी को एक फेर दो फेर लगा के जब बांटने जाता है 2 इंच कम हो जाता है, 2 अंगुलियां नहीं है उसमें, बोला खार फिर रस्सी चाहिए, रस्सी को फेर लेके आता है, गीट लगा के फेर बांध देता है, 2 अंगुलियां कम है, घर का सारे रसिया समाप्त हो गया। भगवान का नाम नंद लाला है, भगवान अनंत गरी ब्रह्मांड का मालिक है, सारे लीला का रचना करने वाला भगवान है। हम लोगों का पास आश्चर्यों का विषय है, लेकिन ये भगवान का पास एक खेल है ना। हमारा पास ये संसार है, सब कुछ है, भगवान का पास एक खेल है। यहाँ पे सारे मूर्तियां सारे आदमी नाटक कर रहा है, नाटक, कोई बेटा का रूप में, कोई बेटी का रूप में, कोई ऑफिस डॉक्टर का रूप में, इस संसार में आके अपना अपना अभिनय कर रहा है। लेकिन ये नाटक रचना करने वाला परिचालक कौन है, भगवान है। भगवान जो बोलेगा उतरो, मंच से उतर जाओ, सच्चा तो मर जाता है, अगर जब जन्म लेता है दूसरी शुरू हो जाता है। भगवान ऐसा ही लीला करते रहे, जितना भी रसिया इकट्ठा कर लिया, हरे कृष्णा, आपस में बात नहीं करना है, जितना भी रसिया इकट्ठा कर लिया अंत में जाके कम हो जाता है। यशोदा मैया का पसीना आ गया, घर का सारे रसिया कम हो गया, गांव से रसी लेके आया, सारे रसी को इकट्ठा करके नंद लला को बांधने के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन काम नहीं होता है। एक समय यशोदा मैया ने थक गए और लाला ने देखा, मैया तो बहुत प्रयास किया, मुझे बांधने के लिए इतना प्रयास कर रहा है, अभी और मैया को कष्ट नहीं देना चाहिए, अभी तो बंधन स्वीकार करना पड़ेगा। तब क्या हुआ, यशोदा मैया ने नंद लला को बांध लिया। कहाँ पे बाधा, वाले उधर, दाम का मतलब बंधन, उधर का मतलब पेट है, लला को पेट का ऊपर उकल का साथ बाधा था, इसलिए दामोदर नाम हुआ था, दामोदर नाम से इस लीला को लोग जानते हैं, भगवान का नाम है दामोदर। और क्या हुआ, भगवान ने हरे कृष्णा ऐसा ही
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भगवान जब बंधन स्वीकार कर लिया तब यशोदा मैया का, यशोदा मैया का भी आनंद हुआ और यशोदा मैया का आनंद देखते हुए मैं सफल हो गए। हम तो मैं आके कन्हा को बांध लिया। देखो इस लीला का तात्पर्य यही है, भक्त एक भक्त जितना भी प्रयास करे भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकता है। भगवान तो तब तक खुश नहीं होगा स्वयं भगवान उनको कृपा ना करे। एक अंगुली रसी का मतलब भक्तों का यशोदा मैया जैसा इच्छा होना चाहिए। मैं भगवान को बांध के ही रहूंगा, इसका मतलब भगवान को मैं खुश करके ही रहूंगा, ऐसा इच्छा जिसमें है वो तो भगवान को हृदय में बांध लेगा। यशोदा मैया रसी से वाला और हम लोगों का प्रेम से हृदय में बांधना पड़ेगा। दूसरी रसिया है, बांधने से नहीं होगा, भगवान को कौन वाला बांध सकता है अगर भगवान कृपा किया तो। भगवान कृपा ना करे कोई उनको बांध नहीं सकता। ये दो कारण होना चाहिए है? एक भक्तों का इच्छा, दृढ़ विश्वास प्रयास है किसी में, ऐसा नहीं भगवान जो बोला वो ही करूंगा। और भगवान तो कृपा करते ही रहेंगे, हमारा अगर प्रयास है भगवान कृपा करते रहेंगे। ये दोनों का मिलन हुआ तब हम लोगों का भगवान का हृदय में कृपा मिलेगा, भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। ये दामोदर लीला का यही महत्व है। अभी कली का प्रभाव से भक्त लोगों का बीच में इच्छा कहा है, इच्छा तो एक ही है, संतान को जोरो शिक्षा में शिक्षित करना है, बड़ा मकान खरीद करना है, सुंदरी पत्नी को सुंदरी पति को विवाह करना है और अंत में जाके संत लोगों का पास जाके कहना है मेरा बहू खाना नहीं देता है, मेरा बेटा खाना नहीं देता है। कली का प्रभाव से हर जगह में यही होते जा रहा है। लेकिन संतान अगर भगवान का भक्त बन जाए वो कभी भी अपना मम्मी पापा क्या है वो पराया मम्मी पापा को भी छोड़ेगा नहीं, सबको सेवा करते रहेंगे क्योंकि सबका हृदय में भगवान है। छोटा बोलो और बड़ा बोलो दोनों का अंदर में ही भगवान विराजमान है। दोनों को प्रयास करना चाहिए, हे प्रभु आप मुझ पर कृपा करो तब तो भगवान कृपा करेगा। हाँ? जैसा हो गांव में किसी का विवाह हो, ना बुलाने से कोई खाने जाता है, जाता नहीं, बोले हम लोगों का बुलाया नहीं। बीच बीच में ऐसा बहुत लोगों का इच्छा होता है लेकिन बुलाया नहीं, वो बाजू दुकान में आके गल्प करता रहता है, हमको बुलाया नहीं, क्यों मुझे बुलाया नहीं, ऐसा बातचीत करता रहता है। लेकिन ना बुलाने से फिर भी जाता नहीं, अगर बुलाओगे नहीं भगवान आएगा आएगा नहीं, तो दो हाथ उठा लो और दिल का हार कने कने से बुलाओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 में
भगवान कलयुग में नंदनंदन कृष्ण कन्हैया लाल कलयुग में अभी जो महामंत्र जप किया इस महामंत्र का रूप में प्रकट हुई है। अगर कृष्ण को चाहिए आप सभी को इस मंत्र को जप करना पड़ेगा। ये मंत्र मैंने नहीं बोला, बृहत नारदीय पुराण में स्वयं वही नंदनंदन कृष्ण कन्हैया लाल जब कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप में अवतीर्ण होकर सभी को कहने लगे कृष्ण को चाहिए इस मंत्र को जप कर। ये मंत्र जप करने के लिए छोटा बड़ा नहीं, सुंदर असुंदर नहीं, धनी गरीब नहीं, जात बेजात नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, बोला जो जितना जप करेगा वही व्यक्ति उतना जल्दी ही कृष्ण को पापत कर लेगा। हाथ उठा के देखा सकता है कौन कौन कृष्ण चाहिए, किसको कृष्ण चाहिए। कृष्ण चाहिए तो आप लोगों का इस महामंत्र को जप करना पड़ेगा। ये महामंत्र को जप करने के लिए रुपया नहीं लगेगा, ये महामंत्र जप करने के लिए घर से भागना नहीं पड़ेगा। ये महामंत्र जप करने के लिए मंदिर में जाके ठाकुर जी को घूस नहीं देना पड़ेगा। ठाकुर जी मेरा इच्छा पूर्ण हो जाए तो दो नारियल चढ़ा दूंगा, घूस देना ही है। जिसका कृपा से जीवित हूं उसका बोल रहा हूं, जिसका शरीर है, जिसका अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसको दो नारियल का लोभ से आपका इच्छा पूर्ण कर देगा, है ना। ऐसा हो रहा है, गलत आराधना। भगवान साक्षात आनंद का मूर्ति है। अगर आप लोगों का कृष्ण को चाहिए तो कृष्ण को बुलाना चाहिए, और कृष्ण को बुलाने के लिए कलयुग में एक ही मंत्र है। क्या मंत्र? हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र। जिसको चाहिए हाथ तो उठा दिया, लेकिन हाथ उठाने के लिए नहीं बोला, अपना हाथ तो उठा दिया, लेकिन ये मंत्र तो आपको ही जप करना पड़ेगा। मैं आपका घर खाने नहीं जाऊंगा, कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, रहने नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको कृष्ण चाहिए तो इस महामंत्र को जप करना है। यानी आपका कल्याण खुद कर सकता, आप अपना कल्याण खुद कर सकता है जो जितना इस मंत्र को जप करेगा। देखो यशोदा मैया ने कितना परिश्रम किया उसको बांधने के लिए, तो हृदय में प्रेम का डोर से बंधने के लिए कितना प्रयास करना होगा, तब तो भगवान कृपा करेगा। इसलिए रो रो के हृदय का हार करने से इस मंत्र को जप करते रहो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र साक्षात आनंद, साक्षात कृष्ण। ऐसा ही भगवान कृष्ण अभी वही कुबेर का दो पुत्र है, उन दोनों पुत्र को उद्धार करने वाला है। और नारद जी ने बताया था भगवान कृष्ण जब लीला पुरुषोत्तम का रूप में आके लीला करते रहेंगे तब आप दोनों भाइयों को उद्धार करेगा। तो यशोदा मैया ने क्या किया, उखलों का साथ बात कर चला गया, और नंदलाला ने उखल को खींचते खींचते क्या किया, उखल तो बहुत बड़ा था, इतना छोटा बालों के लिए उखल को खींचकर दूसरी जगह ले जाना नामुमकिन था, फिर भी भगवान है जब बोलना नहीं सीखा, थोड़ा सा पैर को धक्का लगाया और सारे बैलगाड़ी हवा में उड़ के चला गया। और अभी उखल को खींचते खींचते वो दोनों पैर हुआ,
यमल अर्जुन पैर है और दोनों पैरों को अंदर में भगवान चला गया, वो खोल दोनों पैरों में फंस गए। हर भगवान बोला था अभी काम हो गया, फंस तो गया, अभी तेज से खींचो दोनों पैर उखाड़ जाएगा। हर दोनों पैरों से दोनों भाई भाईगिरी मणिगिरी नल कुबेर मणिगिरी दोनों भाई निकाल के प्रणाम करते रहे, दिव्य शरीर धारण करते रहे। हे प्रभु, नारद मुनि को अभिशाप से हम दोनों का पैर का शरीर मिला था, ऐसा कोई है यहाँ पे जो मरने का बाद पैर का शरीर चाहता है? कोई है यहाँ पे पैर का शरीर? कोई नहीं है। ये मनुष्य का शरीर बहुत कीमती है, इसलिए जान बूझ के देखो छोटा सा काम। क्रोध करोगे आज का बाद? क्रोध से क्या होता है देखा तो? इसलिए क्रोध से क्या होता है जानते नहीं हो? सुना तो है, क्रोध से विनाश होगा। विनाश चाहते हो मतलब क्रोध नहीं करना है, धीरोज रखना है। जो कुछ भी हो गया, परिचालक कौन है? आप हो, आपका पिताजी है, गांव का मोरल है ना भगवान है, इसलिए शांत रखना चाहिए। अश्लेषवा पदरतम पिनष्टु माम दर्शनम मरमहतम करतवा यथा तथा विदधातुलं पट मत प्राण नतस्त सेवना पर। हे नंदन नंदन कृष्ण कन्हैया लाल, हे लंपट शिरोमणि, आप मुझे आनंद दे दो, आप मुझे पैर से दबा के मारो। आनंद सब लोग चाहता है, भगवान पैर से दबा के मारे, ऐसा कौन है जो चाहता है? ऐसा लोग मिलना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं चाहता है, लेकिन परिचालक भगवान है, जो मर्जी वही करेगा। हे प्रभु, ऐसा भी हो सकता है, आनंद भी दे सकता है, पैर से दबा के मार भी सकता है, आपका दर्शन ना देकर दुख भी दे सकता है, आपका जैसा जैसा मर्जी, आप ऐसा ही करते रहो, आपका मर्जी है। हमारा मर्जी चलेगा? चलेगा नहीं, मेरा दिमाग वहां पे काम नहीं करेगा। जैसा भगवान का इच्छा है ऐसा ही होगा, तो टेंशन लेने का क्या जरूरत है? टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। हे प्रभु, आपका जैसा जैसा इच्छा है ऐसा ही करते रहो, लेकिन मेरा मन हमेशा आपका वही पाद पद्म में ही रहेगा, आपका चरण में ही रहेगा। यानी गलती से क्रोध कर लिया तो क्रोध के लिए मेरा विनाश होगा, क्योंकि मैं तो परिचालक नहीं है, आप मुझे मांस से उतार दिया, आपका इच्छा है, जब जरूरत पड़ेगा बुला लेना, है ना? ऐसा देखो बहुत लोगों का संसार में संतान नहीं होता, और एक संतान को प्राप्त करने के लिए कहां कहां भागता रहता है। नहीं, संतान को जरूरत है, ये संतान को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का पहला चला जाओ। आत्मदेव निष्ठावान ब्राह्मण होने का बाद भी संतान का पीछे पड़ गया था, मुनि ऋषि ने बोला था पूर्व जन्मों का कर्म फल से संतान नहीं मिलेगा, फिर भी आत्मदेव माना नहीं। वो इच्छा था संतान चाहिए, वो कहां घुमा के आत्मदेव को क्या संतान हुआ, इतना दुष्ट हो गया, इतना बुरा संतान हुआ, संतान को सोर के भागने लगे। इसीलिए कभी भी भगवान का बस मत मानो, मंदिर में जाओ भगवान का खुश के लिए, अपना खुश के लिए नहीं। प्रभु आप मुझे ऐसा ही कृपा करो,
जैसा आपका इच्छा है, मुझे ऐसा ही कार्य कराए जैसा आप चाहते हो, आपका जैसा इच्छा हो ऐसा ही हो जाए, क्योंकि आपका आदेश से इस धरित्री पर मैं लीला करने आया, अभिनय करने आया। उनका इच्छा बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं गिरेगा। इसीलिए इस लीला से हम लोगों को ये समझना चाहिए हमेशा, जब भगवान का कृपा बिना कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो भगवान ऐसा ही सबको कृपा करे। जब भगवान को कंडीशन मत दो, भगवान को स्वार्थ मत दो, मेरा बेटा को कृपा करो, बेटी को कृपा करो, पति को कृपा करो, संतान को कृपा करो, ये दे दूंगा। अभी भारत में ऐसा बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है, मतलब वही मंदिर में ज्यादा भीड़ है जहां पे भगवान का पास मांगने से मिलता है। लोग ऐसा भी सुना, सारे बालों को काट के दे आता है माता जी, लोग बालों को काट के वहां पे दे आता है। लेकिन ये संसार का चीज प्राप्ति करने से क्या होगा, फिर तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, है ना, फिर तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा हो गया, एक सुंदर कहानी सुनाने वाला है, ये कहानी भागवत का नहीं, शिक्षा के लिए मैं सुनाने जा रहा हूँ, फिर हमारा कथा में वापस आऊंगा। एक कथा का अंश नहीं है, इस कथा द्वारा हमारा कोई समझने का शक्ति बढ़ जाएगा। ऐसा हुआ, एक गांव में विचार करो, इस गांव के नाम बानकोडे है ना, विचार करो, बानकोडे गांव में एक आदमी था, वो आदमी का नाम था क्या है, वो आदमी का नाम था दिनोनाथ है। तो क्या हुआ, दिनोनाथ नाम उनका नहीं था, गांव का लोग ने दिया, दिनोनाथ नाम गांव का लोग दिया, क्योंकि वो आदमी धन संपत्ति रहने का बाद भी बहुत कृपण था, कभी भी भगवान का पूजा अर्चना आराधना संतों का सेवा गौ माता का सेवा कुछ भी नहीं किया। तो गांव का लोग उनका ठट्टा करने के लिए मजाक करने के लिए नाम रखा, उनका नाम रखा दिनोनाथ दिनोबंधु, बहुत बड़ा नाम रखा। क्या करे, एक दिन उनका पत्नी चुप चुप के आके कहने लगे, जिंदगी भर तो कुछ भी नहीं किया, अगले महीना माघ महीना है, माघ महीने का पूर्णिमा का दिन, अगर आप गंगा में स्नान करोगे तो आपका सारे जीवन का जो पाप है सारे धो के चला जाएगा। पत्नी का बात सुनते ही इतना गुस्सा किया, मैं जाऊंगा गंगा में, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन उनका घर से गंगा ज्यादा दूर नहीं था, उनका घर से गंगा मात्र 12 किलोमीटर दूर था। तो क्या करे, पत्नी ने कहने लगे 12 किलोमीटर है, सुबह आप जाएंगे पैदल में चला जाएंगे, आज शाम को नहाते हुए पैदल में आ जाओगे, रुपया भी खर्चा नहीं होगा, अगर गंगा स्नान भी हो जाएगा सारे पाप भी धो जाएगा। तब सोचते रहे, बात तो सही बोला, ऐसा तो सोचा नहीं, बिना रुपया से आसानी से मेरा गंगा स्नान हो जाएगा। निर्दिष्ट दिन गंगा स्नान करने के लिए चला गया, और जाते जाते विचार करने, गंगा में बहुत पंडित रहता है, अगर एक पंडित पकड़ लिया तो दक्षिणा देना पड़ेगा, क्या करेगा, पंडितों के पास नहीं जाना है, वो पांडा लोग इतना खतरनाक है पकड़ने से छोड़ेगा नहीं। तो मन मन में सोच लिया, गंगा तो एक ही है, जो गंगा घाट में है वही गंगा शमशान घाट में है ना, तो एक काम करे, शमशान घाट में जाके डुबकी लगा लेता, वहां पे पांडा नहीं होगा, आराम से डुबकी लगाने से ही होगा, चलते की है दोनों जगह का, वही गंगा घूम घूम के शमशान घाट वहां पे गंगा घाट यहाँ पे
मेरा घाट में क्यों जाना है, शमशान घाट चला गया। अरे भगवान विष्णु ने इसका इतना कृपण है, इसी को देखने के लिए, परीक्षा करने के लिए क्या किया, वो शमशान घाट नहाने गए, फिर भी अंधेरा होने का बाद अगर कोई देख ना ले, भगवान विष्णु जब डुबकी लगाया उठने से पहला ही पांडा का रूप लेकर खड़ा होकर कहने लगे, यजमान का जय हो, यजमान का जय हो। मैंने तो मन मन में सोचा आज जो यजमान मिल जाएगा एक महीना भिक्षा करना नहीं पड़ेगा, दो आप मेरा दिल को खुश कर दो, मेरा दान करो। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा बड़ा आंख, उनका आंख को इतना बड़ा बड़ा काटते हुए गुस्सा से कहने लगे, शमशान घाट भी तुम लोग सोओगे नहीं, रात हो गया फिर भी जाओगे नहीं घर। उन्होंने कहने लगे, तुम जो भी बोलो दाम तो करना ही पड़ेगा। मन मन में सोचने लगे कैसा इससे बचना चाहिए, उसी से बचने के लिए एक परिकल्पना किया, प्लान बनाया, मतलब मेरा साथ तो कुछ भी नहीं, मैं तो खाली पॉकेट से आया, ठीक है मैं एक आना दे दूंगा लेकिन बाकी रह ले दो बाद में दे दूंगा। और विचार करने लगे, एक बार जाऊंगा तो दोबारा कभी भी नहीं आऊंगा, बाकी तो जिंदगी भर बाकी ही रहेंगे। ऐसा उन्होंने घर वापस आ गया और साथ साथ पांडा रूपी भगवान भी घर आ गया, दरवाजा खटखटाते रहे। उनका पत्नी दरवाजा खोलते ही बोला, आप कौन हो? तुम्हारा पति गंगा स्नान करने गए और एक रुपया दान करने का प्रतिज्ञा किया, वो दान लेने आया, जब पति को संदेश दिया, आप पांडा को देने के लिए बोला था? हाँ, वो तो घर आ गया। भाई एक रुपया के लिए पीछे पीछे आ गया इतना दूर, ठीक है आप बोल दो बाद में हमारा पति जाके दे के आएंगे, आप बाद में आने का जरूरत नहीं। बोला नहीं, इतना दूर आया मैं तो एक रुपया लेके ही जाऊंगा, आप बोलो। पत्नी दोबारा जाके पति को बोला, पति ने बोला उनको बता दो अभी अभी हमारा पति मर गया। बोला कैसा, अभी अभी हमारा पति मर गया, ये कैसा मर सकता? बोला एक रुपया तो बच जाएगा, थोड़ा सा झूठ बोलने से क्या होता है, आपने आपका हर मुहूर्त में जो कार्य कर रहा हूं हम लोग उसी का साथ एक कहानी को मिलाना। मैंने पहला ही बोला ये भागवत कथा का अंश नहीं, जिंदगी में सुधारने का एक बहुत बड़ा कहानी है। आपने आपका फायदा के लिए हम लोग कितने झूठ बोलता हूं हमारा खुद का ही पता नहीं, लेकिन याद रखना है। और भगवान रूपी पांडा कहने लगे, मर गया कोई बात नहीं, अगर हम लोगों का ब्राह्मणों का दान ना करते हुए कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दिया तो उसका सारे कार्यों में खुद ही करके जाऊंगा, मैं गांव का लोगों का बुला के ले आता हूं, आप थोड़ा सा रुके। गांव का लोगों का बुला के ले आया और उस कृपण व्यक्ति का अंत्येष्टि किया, शमशान ले जाने का व्यवस्था किया, लेकिन वो मरा नहीं। अंत में जाके भगवान कहने लगे, जरो विषय आसक्ति भोग करने के लिए तुम इस संसार में भेजने का बाद भी भगवान भेजने का बाद भी भगवान का बात नहीं सुना, इसलिए लोग अपना अपना फायदा लूटता है। कलयुग में भगवान ऐसा ही एक मौका दिया, रुपया नहीं चाहिए, संसार को छोड़ना नहीं चाहिए, संन्यास भी लेना नहीं चाहिए, विवाह करना चाहते हो कर लो, संतान चाहिए ले लो, आय करना चाहते हो कर लो, जो मर्जी वही कर लो, लेकिन हमेशा महामंत्र को जप करते रहो।
हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते रहो। इस हरे कृष्ण महामंत्र जप करते ही आसानी से कृष्ण मिल जाएगा, आसानी से कृष्ण मिल जाएगा। किस किस को कृष्ण चाहिए? दिल से बोल रहा है ना हाथ ऊंचा कर रहा है? कौन सा? दिल से बोल रहे हो तो बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, इस महामंत्र जप करने से आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? आनंद, आनंद मिलेगा। आनंद चाहिए आपका ना दुख चाहिए? कौन सा क्या चाहिए भैया आपका? आनंद चाहिए ना दुख चाहिए? जप करते रहो, उम्र का कोई भेद नहीं। जितना दिन से पुकारते रहोगे रुपया नहीं लगेगा। तुलसी मैया का चरण में बैठते हुए, ठाकुर जी का चरण में बैठते हुए, घर में घूमते हुए, गली में घूमते हुए, जत्र तत्र इस महामंत्र को जप करते रहो। हैं? सोते हुए, खाते हुए, चलते हुए, हमेशा महामंत्र को जप करते रहो। हैं? आनंद के लिए क्या करना पड़ेगा? और आनंद के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या जप करना पड़ेगा? हरे कृष्ण महामंत्र जप करना पड़ेगा। ये बिना नस्ते वो नस्ते वो नस्ते वो गतिरंगता, दूसरी और कोई मार्ग नहीं है। एक बार नहीं बोला, तीन बार बोला, नहीं है, नहीं है। आप जितना भी मार्ग निकाल लो, दूसरे मार्ग से काम नहीं बनेगा। कलयुग में तपस्या करने का शरीर नहीं। हजारों हजारों साल एक पेड़ का एक अंगूठी के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता है। कलयुग में हवन नहीं हो सकता है शुद्ध रूप से। कलयुग में द्वापर का निष्ठा पूजा अर्चना भी सही रूप से नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान हम लोग का महामंत्र दिया। आप सभी लोग महामंत्र को जप करो और मनुष्य जीवन को सार्थक करे। अपना कल्याण अपना हाथ में है, अपना कल्याण अपना हाथ में है। हाथ में कहां पे है? महामंत्र करने में। महामंत्र करने में हाथ में है, मतलब महामंत्र करने से ही आपका कल्याण होगा। क्या करने से? सुनाओ एक बार, मनोरथ सुनाओ। बरालाली सुनाओ, याद करना है। ध्यान से सुनो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। अभी मेरा पीछे पीछे बोलना, सुर लगा के, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण।
अभी याद हुआ, अभी याद हुआ किसका हुआ? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अभी लाला सुनाओ। कृष्णा 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 कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। दो बार राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। अभी सुनाओ, हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा, बैठो। तो सबका चरणों में मेरा यही निवेदन है, आप लोग परिणाम करें और आपने आपका जीवन का कल्याण करें, ये प्रार्थना करें।